बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला सब का रिज़्क शादा करे, बीमारों को शफा अता फरमाए और सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक सबको, और बावजू होकर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, आमीन। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं फ़िश बेक कर रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 kg से कुछ ज़्यादा ही है, तो मैंने उसके अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश किया है। आप सिरका लगा कर वॉश करना चाहें तो वैसे ही लगा, नहीं तो लेमन जूस इस्तेमाल कर ले। इसको मैंने 2-3 पानी से अच्छे तरीके से इसको मैंने वॉश किया है। इसके जैसे ही पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसको आपने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टीस्पून मैंने नमक लिया, 2 tablespoons मैंने सुरख मिर्च लिया है, 1.5 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर, और 1 teaspoon बल्कि इससे ज़्यादा मैंने लिया है 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स लिए, अजवाइन मैंने लिया है 1 teaspoon। इन सारे जो मसाले हैं इन सबको मैं एक ही बर्तन में डाल के पहले मिक्स कर लेती हूँ। नमक है, अगर फिश को पहले नमक नहीं लगा हुआ तो फिर आप ज़्यादा डाल लें। खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 tablespoon, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च है तकरीबन, अगर तेज़ है तो ठीक है, नहीं तो कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाले आप अपने जितनी स्पाइसी आपने करना हो तो उसके हिसाब से। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी 1 tablespoon। अब लेमन जूस इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है बेक फिश। एक तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक कोयले की तरह बनती है जैसे हम तंदूर में बनाते हैं, ना कोई ऑयल ना कुछ इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बनती है। वन टीस्पून भर के मैंने अजवाइन डाली, क्योंकि अजवाइन के बगैर तो फिश का कोई जायका ही नहीं होता है। अजवाइन भी इसमें मैं डाल के तो फिर मिक्स करके तो फिर इसको मैं सारी फिश पे मैं मसाले लगाऊंगी। 1 tablespoon इसमें एक ऑयल डाला मैंने। ये अजवाइन है, ये हमारे मिक्स हो गए हैं मसाले। अब चाहे आप किसी ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से फिश को लगा लें, मैं हाथ की मदद से फिश को मैं लगा लेती हूँ। ये मैंने गरम मसाला इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। ये देखें इस तरीके से दोनों तरफ आपने इसी तरीके से लगाना है। इसी तरीके से मैं सारी मछली को मसाला लगा दूंगी। तो लगा के आपने बाहर नहीं रखना, इसको फ्रिज में हम रखेंगे तकरीबन 2 से 3 hours के लिए। ये देखिए हमने मसाला लगा दिया, अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ।
आप इस तरीके से लगा के फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल किया तो आपने इसको बेक कर ली, तो इसी तरीके से आप करके रख सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है, कोई मैंने ऑयल से ग्रीस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसी तरीके से मैंने रखे और बहुत परफेक्ट इसका रिज़ल्ट है। ये देखिए ओवन में मैंने रख दिया है। ये देखें फिश मारी रेडी हो चुकी है, हम इसको निकाल लेते हैं और मैं अब आपको इसको चेक करवा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, ये देखें कोई ऐसे पानी नहीं है, कोई नहीं ड्राई सी है, इतनी ज़बरदस्त रेडी हुई है ना, अमेजिंगली। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं इस तरीके से होती कि अगर आप कोई फ्राई किया है तो ऑयली सी होगी, ऐसे कुछ नहीं है। आप इसको रोटी के साथ लें या वैसे आप खाएं, अमेजिंग नान के साथ लें, अमेजिंग। आप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।